हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बादे सबाज लाइफ। आप लोगों ने मुझे देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसको क्या हो गया, ऐसे इसने सर के ऊपर तौलिया बांधा हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है, मैंने सोचा आपको आइडिया दे दूं कि इस तरह टॉवल क्यों बांधना चाहिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माई ईद आउटफिट। लेट हो गया थोड़ा, लेकिन इट्स ओके। और हो सकता है कल चांद रात हो, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कल चांद रात हो जाए और आज मैं ईद आउटफिट दिखा ना सकूँ, तो सोचा आज आप लोगों को मैं ईद आउटफिट दिखाती हूँ और ये टॉवल का भी राज बताती हूँ कि ऐसे क्यों बांधा हुआ है। इसमें मेरी नायाब थोड़ी सी हेल्प करेगी। अच्छा, तो ये लाइफ टिप है, आप लोगों के काम आएगी। मेरी कजन थी कश्माला, जो ऐसे बालों को टॉवल बांधती थी नहाने के बाद। अगर हम ऐसे बांधेंगे ना टॉवल, ये देखें, मैंने खुद एक दिन सोचा अगर हम इस तरह बांधते हैं और हम फोल्ड कर लेते हैं तो इससे हमारे बाल टूटते हैं, और जब हम इनको खोलते हैं ड्राई होते हैं तो ये वेव्स भी आई होती हैं। और ये ही उसकी जगह, अगर हम इधर टॉवल रखें अपने शोल्डर्स पर ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे करके आपने कवर करके रोल कर लेना, और इससे ये फायदा होगा कि पीछे को बाल स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल इस पोजिशन में, और जब आप खोलेंगे तो टूटेंगे भी नहीं और खुश्क रहेंगे। खैर, अब मैं इन पे सीरम लगाने लगी हूँ, तो मैं सीरम लगाती हूँ। ओके, अब हम हेयर सीरम लगा लेते हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग नायाब, मैं फेमस हो जाऊंगी तो तुम्हें पैसे दूंगी। मेरे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, दूर हो जाओ। अच्छा, ये मेरा हेयर सीरम है विंसी का, ये मैं बड़े अरसे से यूज कर रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे पास है। वेरी रीजनेबल और वेरी परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बाल अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद आप फैशन कर सकते हैं खुली। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट ब्यूटी। नरेश इज सेइंग कि मैं पहले फेमस हो जाऊंगा और परी, और मैं तो चाहती हूँ तुम हो जाओ फेमस। परी और नरेश की फुल रेस चल रही है व्लॉगिंग की। नरेश कह रहा है मैं जी तुम फुल एक्टिव हूं, फुल जिम आया है मुझे, तो इस तरह से 2-3 ड्रॉप्स लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ी। ये आपने बताया नहीं कि ना आपने दी आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ। खैर, अब मैं हेयर सीरम पे अपनी सारी वीडियो बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैंने कॉम मंगा लिया, मैं कॉम कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने ईद के कपड़े दिखाती हूँ। मेरे ना दिखा देना अपने, क्या के कहीं कोई बात नहीं दिखाने दो। नहीं नहीं, सभी मेरे हैं, बट मेरे और आपके एक झूठ, सारे मेरे कपड़े हैं। किधर है मेरे कपड़े? इधर है? नहीं, इधर तो नहीं पड़े। कहाँ रखे मेरे कपड़े? हमारे पास हैं एक दो, थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जो 6 आउटफिट हैं, जिसमें से कुछ नए आपके भी हैं। सारे मेरे, मतलब सारे हम दोनों मिक्स ही पहनेंगे, लेकिन पहनना भी मेरा ही हुआ सूट। पहले नए आपके होते थे, जब ये दुबई होती थी तब मैं शौकियां मारती थी, अब नए आप मार लेगी शौकियां। सबसे पहले मेरे पास ये ड्रेस है, ये आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, मैंने पहना ही था, मैं चांद रात पे इसको पहनूंगी, मेहंदी लगा। क्लोज करें। और ये है साया का, साया के कपड़े बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा स्टफ है, साथ व्हाइट पजामा और व्हाइट दुपट्टा यूज करूंगी। नाइस, थैंक यू। उसके बाद आपको थोड़ी का ड्रेस को कह रही हूं, कौन सा सबसे अच्छा वाला, सबसे अच्छा दिखाऊंगी मैं। उसके बाद मेरे पास ये है येलो में, इसके साथ भी मैंने व्हाइट पजामा यूज करूंगी, मैंने इडन रोब से लिया है, और दिस वन इज फ्रॉम आसिम जोफा। प्राइस भी बताए ना सर। ये वाला जो ड्रेस है ये 3000 का था, 3400 तक का था, हाँ, और ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था। और जो पजामा मैंने इडन रोब से लिया है कैप्री, ये 2200 की है शायद, हाँ। अच्छा, ठीक है। और जो पहले वाला वो कितने का है? वाला था ये वाला साया वाला, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 4000 का था, और ऑफ पे हमें 2300-2400 में मिला। नहीं जी, 3000 का मिला, मुझे एग्जैक्ट रेट्स याद नहीं है क्योंकि मेरे मोस्टली जो कपड़े हैं मेरी फैक्ट्री ऑर्डर करती है, या मेरे कुछ क्योंकि मेरे हैं ना इसके हैं जो नहीं, तो मुझे सबकी कीमतें नहीं याद है ठीक से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये ड्रेस है, ये मैंने खुद स्टिच कराया है, ये भी मैंने इसको बताया कि ऐसे स्टिच करवाओ। डोंट लाई, ये नूरे जहाँ का है, नूरे जहाँ ब्रांड है, मेरी कजन ने वहां से ऑर्डर किया था, और मैंने जब ऑर्डर किया तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसकी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थी जो कि नहीं है, और मेरा बहुत डिसहार्ट हुई थी, फिर आपने खैर मुझे आइडिया दिया इसके साथ शॉर्ट शर्ट सिलाओ और साथ में प्लाजो, तो इट विल लुक गुड, तो बड़ा प्यारा लग रहा है, साथ इसके ये दुपट्टा है, वरना मैं तबाही फिरवाने लगी थी। ये 3000 का है, 3500 का था ये, ठीक है। और ये भी हम किसी दिन पहन लेंगे ईद पे। इतना ज्यादा कपड़े आपने लेके, इसलिए आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? बस ये एक राज है। क्या मतलब ये राज? क्या मतलब राज है? क्या मतलब? सारे पैसे तो मुझसे लेती हो। कितनी झूठी हो तुम, झूठ बोल रही है, झूठी औरत ना हो तो।
ये मेरे पास एक आउटफिट है, ये बुनैंजा का है, ये वैसे मुझे गिफ्ट मिला ऊपर करके दिखाएं पूरा। वैसे थोड़े से पैसे मैंने खुद डाले थे, मजाक करिए, मेरा खुद भी है, इन्होंने मुझे गिफ्ट बनाया। इस साइड पे हूँ, लेफ्ट पे हूँ, ठीक है। अच्छा ये बुनैंजा का है और ये मुझे नहीं पता इस कपड़े को क्या कहते हैं, थोड़ा अजीब सा इसका नाम था। और ये कितने का था? ये 6000 का है, 6500। हाँ बताएं जरा इसमें 6K का क्या लगा हुआ है? 6K नहीं बल्कि 7K का है। हाँ ये तकरीबन 7K का है। और मैंने नहीं लिया, इसका दुपट्टा है नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज ये शेड्स लगे थे। शेड्स तो आप जाके वो क्या कहते हैं, एक मिनट वो जो डाई करने वाले होते हैं उनसे करवा लो, शेड में क्या है सामने करो। जिस चीज के ऊपर मेरा दिल आ जाए ना मैं वो लेके, नहीं ये क्या बात होती है दिल आ जाए तुम्हें लेके छोड़ नहीं है, मैं पहनूंगी क्यों नहीं पहनूंगी, जरा दिखाना सामने करो। बहुत प्यारे शूज है, मैं भी आपको, आपको बताना ही नहीं आता बेटा, ये इसलिए महंगा है क्योंकि ये बबल ड्रेस है। यस ठीक है, वेट करें मुझे दिखाने दें बबल्स, सारा दिखा दो मैं पहनूंगी तो फिर मैं कैसे। इसकी स्पेशलिटी है और कोई बात नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आराम से रहो, नजर लगा रही हूँ मेरे सूट को, तुम पहनोगी तो नजर खुद ही लग जाएगी। ये मुझे 10000 में पड़ गया, हील्स वगैरह इसके साथ। कितनी शौकी हो रही है, कुछ ज्यादा ही। सबसे खूबसूरत सूट दिखाने जा रही हूँ मैं, वाओ। ये सूट में मेरी सामने करें प्लीज, इसमें मेरी भी जान है, जान बसती है। अपने साथ लगा के दिखाए मुझे। इट वॉज इन माई लिस्ट फ्रॉम 2 months, मैंने इसको पसंद किया हुआ था और फिर मैंने, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस एवर एंड एवर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ड्रेस 8000 का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो 8K इज वेरी लेस फॉर दिस ड्रेस, बिकॉज इसका कपड़ा बहुत खूबसूरत है और इसके साथ हमारे पास ट्राउजर भी है। इस कपड़े में शाइन है, ब्यूटीफुल शाइन ऑन फर्स्ट डे मेरा ड्रेस ये पहनेगी। मैं ये दुपट्टा यूज करने वाली हूँ, टिश्यू नेट टाइप कुछ है। इस ड्रेस पे मेरा दिल आ गया, दिल सीरियसली, आई लव दिस ड्रेस। आपको शूज आज सुबह प्लीज ब्रांड्स बताती जाए। अच्छा दिस वन इज फ्रॉम वानिया, ठीक है, और ये 8000 का है। एंड दिस वन इज फ्रॉम बनेंजा सतरंगी, ये 7000 का, 7500 का। और ये मैंने बता दिया नूरे जहाँ का है और ये 3500 का है। मैं तो बिल्कुल पठान भाई, पाँच ही ले लो। ये आप बता चुकी हैं, इनको छोड़े, मेरी बात सुने। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज ये देखकर ये मत समझिएगा कि इतने महंगे महंगे ड्रेसेस और ऑल दैट, उन्होंने अर्न किया है एंड दैट्स व्हाई शी बोर्ड दैट ड्रेसेस। तो आप लोग डिसहार्ट ना होइएगा, आप भी अर्न करें और यू कैन बाय आल्सो। तो अभी नेक्स्ट दिखाइए। किसी को कीमत बताना नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जो लोग बाय करना चाहते हैं उनको पता हो कि इनकी क्या कीमत है, मेरा सिर्फ ये मकसद है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि सबा इतनी इतनी ड्रेसेस पहन लेती है ईद पे, असल में इसने इस दफा ही बनवाए हैं क्योंकि इसके पास पहले कम थी ड्रेसेस, तो थोड़ी इसके पास ड्रेसेस कम थे तो मैंने थोड़े पैसे दे दिए। मैंने कहा चलो एक बार मेहनत किया, मैं कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाद सब आ रही हैं अपने जूते दिखाने। मैं आपको दिखाती हूँ अपने जूते। सबसे पहले ये चप्पल है जो हमने लोकल मार्केट से, मून मार्केट से ली है, 1500 भी बोल रहा था, मैंने 1000 में ली है, ठीक है। इसको हम किसी भी सूट के साथ यूज कर लेंगे, येलो में या वो जो है मेरे पास। फिर ये चप्पल ली, अब मैं पहन के नहीं दिखा सकती, वरना पहन के दिखाती, इस तरह लग रहा है बड़ी दिखा रही हूँ। ये न्यूट्रल चप्पल है ना, मतलब आप किसी भी ड्रेस साथ ये पहन सकते हो, कपड़ों के साथ पहनूंगी। ये भी हमने तकरीबन इतने में 1K में लिया, 100 में थी शायद, नहीं 1K में लिया। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट खुस्सा ऑन ईद, ये नया आपका है खुस्सा और ये मेरा भी है, हमने यही, आपने मेरा ड्रेस नहीं दिखाना था, नहीं हमने यही सोच के लिया था कि हम दोनों पहनेंगे। ओह यस, तुम्हारा ड्रेस तो दिखाई, मैं इसका ड्रेस भी दिखाती हूँ। मुझ गरीब का एक ड्रेस देखें, मुझ गरीब का मैं आपको दिखाती हूँ। एक सादा सा सूट है और सादा सा जिंदगी, बहुत खूबसूरत सूट है, आई जस्ट लव इट, आई एम गोइंग टू वियर इट। मेरे ख्याल से किस दिन पहनने दोगे, किसी भी दिन सामने करो, ऊपर करो, 5 दिन ईद मनाऊंगी, कपड़े पहनूंगी। ये होती है बड़ी बहनों की लाइफ, कहते हैं बड़ी बहनें सब कुछ ले जाती हैं, छोटी बहन को देखे और बड़ी बहन ने सिर्फ एक सूट बनवाया, सिर्फ एक ड्रेस, ये आपका ड्रेस है और ये कुछ साइज के साथ शी इज गोइंग टू वेयर, राइट? मे बी, ठीक है। अभी मैं बाकी ये जूते दिखाती हूँ, मेरे मोस्ट फेवरेट जूते जो हैं और जो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, दिस वन इज फ्रॉम एलिगेंशिया। ओह नाइस, ये तो मुझे भी नहीं, कौन सा आया, मैंने भाई को बोला भाई वापस ले जाओ, 15 दिन के बाद जूता लेकर आ गए और मैंने बट अम्मी ने बोला ले लो, सब ले नहीं मारो, अम्मी ने बोला ले 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 ले, लुक पास से दिखाओ थोड़ा, अच्छा नो डाउट। और ये 3500 का है, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत अमीर है, बहुत पैसा निकाल लिया, कहाँ से आया? पैसा नहीं है, मैं वक्फे से लेती हूँ, मैं कौन से इकट्ठे ले लेती हूँ।
एंड दिस वन इज फ्रॉम बोर्जा, ये नया भी लेकर आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आया था। बस मेरी चॉइस जो है इसको मैं वानिया वाले ड्रेस के साथ पहनूंगी। और ये कितने का नया? ये है 25 3K का आई थिंक, अब मुझे कंफर्म नहीं है। ये तकरीबन इतने का 3K का और ये बहुत प्यारा है। और ये ऑफ बाकी मेरे पास ज्वेलरी भी है, मैंने चूड़ियां चूड़ियां भी ली है, वो मैं नहीं दिखा रही, वो मैं ईद पे पहनूंगी तो आप मेरी फुल लुक देखिएगा। और जूते तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए सारे, बट मैं एक परफ्यूम दिखाना भूल गई जो मैंने जे डॉट से लिया है। ये भी वैसे नया भी लेकर आई थी, इनको पता था मुझे ये परफ्यूम पसंद है तो फिर ये जाके लेके आई थी। ये जे डॉट का परफ्यूम है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सोचा था इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करूंगी, लेकिन नयाब मैडम ने इसका डब्बा फेंक दिया। मैंने कहा यहाँ पे डब्बा पड़ा हुआ था मेरे परफ्यूम का, कहती वो तो मैंने फेंक दिया। वाओ यार नयाब, बहुत आगे जाओगी तुम। वेल ये परफ्यूम है खुमार और बहुत अच्छा परफ्यूम है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सूदिंग इसकी खुशबू है और रिकमेंडेड है। आई गेस ये मैन है या यूनिसेक्स है, मुझे मेन परफ्यूम पसंद है इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें ही मर्दों वाली यूज़ करती हूँ, तो ये रिकमेंडेड है। और ये 4000 का है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया नहीं आया और अगर ना आया हो तो भी मुझे लाइक दे दें, सब्सक्राइब दे दें, शेयर दे दें, क्यों ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स लवर्स, क्यों पागल है मदर्स फैमिली पागल लिखा है एवरीवन। और अच्छा चलें प्लीज कर दीजिएगा, बाय बाय, अल्लाह प्लीज मेरी मेरी खातिर कर दीजिएगा इसको सब्सक्राइब और लाइक, वरना मर जाएगी बेचारी।